राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना अंतर्गत खंड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी के मंडल स्तरीय एक दिवसीय प्रशिक्षण एनएक्सी भवन के सभागार में सकुशल संपन्न हुआ, जिसके संबंध में मंडल के उप पंचायत निदेशक दिनेश सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के खंड विकास अधिकारियों व सभी सहायक विकास अधिकारियों को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें ग्राम पंचायतों में मूलभूत सुविधाएं व कमियों को दूर करते हुए एक योजना बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसे 9 विषय दिया जा रहा है, जिसमें से 3 विषय को शामिल करते हुए कार्य योजना बनाना है। ग्राम सभा से विकास योजना तैयार करने के बाद क्षेत्र पंचायत और क्षेत्र पंचायत से ग्राम पंचायत के विकास योजना को बनाना है, जिससे क्षेत्र का विकास हो सके। इसके अलावा सभी खंड विकास अधिकारियों को सरकार के द्वारा चलाई जा रही सभी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत का समय समय पर बैठक करवा लिया जाए, जिससे गांव में होने वाली समस्याओं को दूर किया जा सके। इस अवसर पर जीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडल के पंचायत विभाग के उप निदेशक दिनेश सिंह ने कहा, गोरखपुर में आयोजित खंड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी पंचायत के एक दिवसीय सम्मानित मंच और सामने बैठे हुए सभी सम्मानित श्रोतागण, या प्रशिक्षु मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं और जिस विषय पे हम बातचीत करने जा रहे हैं वह विषय भी सहभागिता का विषय, जो अभी आदरणीय विजय सिंह ने कहा कि विषय पे हम बातचीत करेंगे, प्रेजेंटेशन आ रहा है, सामान्य बातचीत हम लोग करते रहेंगे। कहा जाता है कि क्षेत्र पंचायत स्तर पर और स्थापना आर्थिक और सामाजिक विषय लगातार एक अभियान पे काम कर रहे थे ग्राम पंचायत विकास को, और उसी कड़ी को दो जो त्रिस्तरीय विभाग के लोग यहाँ बैठे हुए हैं ग्राम पंचायत स्तर पे और क्षेत्र पंचायत स्तर पे, जिनको ये विकास योजना को संचालित करना है, जिससे अभी थोड़ा सा उल्लेख किया था आदरणीय राकेश जी ने कि 5 चरणों से होकर के हम यूपीडीपी के प्लान जा करके सफलता पा रहे हैं। उनको नहीं मिला, जिनको नहीं मिलना चाहिए था उनको मिल गया। और 2-3 मुद्दे, चाहे वो राशन कार्ड का बात हो या जॉब कार्ड का बात हो, और अगर आप जीपीडीपी के जो 5 नाम साथियों ने बताया, जैसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है, टू द पीपुल बाय द पीपुल फॉर द पीपुल, अगर हमने अपने क्षेत्र में कार्य योजनाओं का नियोजन लोगों की सहभागिता से उसको पहचान करवाया, लोगों से बनवाया और लोगों से इंप्लीमेंट कराया। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आप लोगों से, सवाल तो आप लोगों के पास भी बहुत सारे हैं, लेकिन अकेला सवाल मेरा कि एक प्रोग्राम चला था स्वच्छ भारत मिशन का, जिसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का एक कार्यक्रम होता था टिगरिंग का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने भी कभी कभी पार्टिसिपेट किया होगा, लेकिन कितने लोगों को गांव की सहभागिता से उस गांव को खुले में शौच मुक्त कराने में सफलता मिली होगी। शायद हमने कंस्ट्रक्शन बेस जरूर वर्क कर दिए होंगे, लेकिन आज अगर उसका मूल्यांकन किया जाए तो हमने सहभागिता नहीं सुनिश्चित कराया, इसलिए आज भी हम कंस्ट्रक्शन जरूर करा लिए हैं लेकिन उपयोग जिस मात्रा में हमें मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो मुद्दा ये नहीं है कि हम कितना ज्यादा कंस्ट्रक्शन करा ले रहे हैं, आज इस सॉफ्टवेयर की बात इस लोकलाइजेशन में होगा आपको भी लगेगा कि नियोजन जब गांव वाले करेंगे, पार्टनरशिप जब गांव वालों का होगा तो ही जाकर उसको सफल मिलेगा। इसलिए ये जो पार्टनरशिप का मुद्दा है ये अहम हो जाता है, तो इस 5 पीपों का ध्यान में आप रखेंगे तो निश्चित रूप से आप जो 9 टीम है उसको प्राप्त करने में सफल होंगे। दिनेश सिंह, डिप्टी डायरेक्टर पंचायत गोरखपुर मंडल। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के अंतर्गत डायरेक्टर पंचायती राज के निर्देशों के क्रम में जो है खंड विकास अधिकारियों मंडल के और सभी सहायक विकास अधिकारी पंचायत का ये एक दिवसीय प्रशिक्षण आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में रखा गया है।
जिसमें इनको अपनी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा के माध्यम से मूलभूत आवश्यकताएं और जो कमियां उनको दूर ध्यान में रखते हुए हमारे स्थानीय जो सतत विकास के लक्ष्य हैं 17 उनको 9 भागों में बांटते हुए एक योजना बनाने के निर्देश संबंध में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें हर हालत में हमें उन 9 विषयों में से कम एक अधिकतम 3 विषयों को सम्मिलित करते हुए कार्य योजनाएँ बनानी है। गांव सभाओं से ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार होने के बाद क्षेत्र पंचायत स्तर पर ये क्षेत्र पंचायत की विकास योजनाएं बननी है, जिसमें उन गांव सभा की जो गांव पंचायतों की विकास योजनाएं साथ ही इन 9 विषयों को ध्यान में रखते हुए कार्य योजनाएं तैयार की जानी है। विभिन्न विभागों की जो कार्यों को जो स्कीमें चलाई जा रही हैं पंचायतों में उनके बारे में भी बृहद जानकारी के लिए प्रशिक्षण रखा गया है, और जितनी जो गांव पंचायतों में बैठकें होती हैं गांव सभा गांव पंचायत क्षेत्र पंचायत की बैठकों उनके बारे में भी विस्तृत जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण रखा गया है।